वेल तो देख सकते हैं गांधी जी वहाँ बैठ के हमें देख रहे हैं, तो उनके निगरानी में हम यहाँ अभी झील में बैठे हुए हैं। झील में हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक हमारे गांधी जी नहीं है, टॉपिक है हमारा ये R15 जो कि अमन सर ने इसको लिया था। तो अभी धनतेरस का माहौल आ रहा था, धनतेरस में बहुत से लोग गाड़ियाँ लेने की प्लान कर रहे हैं, उसमें से एक R15 भी बहुत लोगों का ड्रीम बाइक होता है जैसा कि इनका था। बट वो ड्रीम बाइक लेने से पहले आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देने वाला। अगर आपकी भी ड्रीम बाइक अगर R15 है या कोई भी आप स्पोर्ट बाइक लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अमन सर से ये पूछेंगे कि सर ये गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की पड़ गई थी? 195 की ये गाड़ी पड़ी थी। सिर्फ कलर के लिए 3,000 देना पड़ा था क्योंकि ये डार्क नाइट एडिशन था, लेकिन मैटर वो करता है मतलब 2 लाख आप पकड़ के चलिए। तो 2 लाख में अभी तो 2 लाख हो ही गया होगा, तो 2 लाख में अगर आप कोई बाइक लेने जाते हैं तो आप 2 लाख पैसे डाल रहे हैं भाई, काफ़ी मेहनत करने के बाद आप पैसे कमाते हैं उसको बाद उसमें लगाते हैं, तो वो पैसा आपको कितना वैल्यू फॉर मनी लगता है नहीं लगता है वो हम आप लोग पूछेंगे। इनसे सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि सर आप 2 लाख रुपये डाल के 150 cc बाइक क्यों लिए? सर आपके पास ऑप्शन था 200 बाइक लेने का, आप 250 जिक्सर ले सकते थे, फेयर बाइक में ज़्यादा RS ले सकते थे, वो सब छोड़ के R15 क्यों लिए सर? आसान भाषा में बताइएगा जरा। R15 देखने में बहुत मजा आता, लुक बहुत अच्छा आता, मजा भी आया उस टाइम, बहुत मजा भी आया। इसका हम फील किए एक दिन में 600 किलोमीटर चला है तो, लेकिन 2 आदमी था इसी का 600 किलोमीटर चला पाए, नहीं तो नहीं चला पाते। उसमें बाद में आएंगे, शुरू में अभी रहने दीजिए, अभी वो दर्द दुख सब अभी बाद में, अभी खुशी खाली, अभी सिर्फ खुशी बांटते हैं। अब गाड़ी लेने के बाद आप सर कितना दिन तक बहुत इंजॉय किए गाड़ी, लगा कि हाँ अच्छा किया R15 लेके, कितना दिन तक लगा? अभी भी एंजॉय करते हैं, अभी भी एंजॉय करते हैं। आप लगता है कि ये गाड़ी हटा बस, उसके से 8 महीना हो रहा है, 8 महीना हुआ है और गाड़ी पसंद है फिर भी बोल रहे हैं गाड़ी हटा दे, इनका दिल का दर्द हम समझ सकते हैं। आज तक मेरी मम्मी इस गाड़ी में नहीं बैठी, बताइए 2 लाख लगा के मम्मी को नहीं बैठा पा रहे वो अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर इसमें जो राइडिंग क्वालिटी है, इसमें आपको हाथ में देख सकते हैं मैं थोड़ा सा चला के आया था तो मेरा हाथ लाल हो गया था, इस पे आप क्या कहना चाहें सर? आप लेने से पहले ये ध्यान नहीं दिए थे कि मेरा हाथ में दर्द होगा, ड्राइविंग पोजीशन पे दिक्कत होगा, ये सब का ध्यान नहीं आता? जैसे कभी लंबा जाता है ना उस टाइम दिक्कत होता है, लेकिन इसका चलाने का आइडिया हमको पता है कि कैसे चलाना था, हमको दिक्कत नहीं होता। अब मतलब एक गाड़ी चलाने के लिए भी आइडिया पहले सीखना पड़ेगा आपको, तो 2 लाख कहाँ डाले हम, स्प्लेंडर ला लें इससे अच्छा मम्मी को बैठाते पापा को बैठा, मानते हैं गलती हो गया, गलती हुआ RS ही लेना, गलती हुआ ये मान रहे हैं RS लेना था, लेकिन कोई बात नहीं आदमी कम रेट में भी आता, इससे कम रेट में भी उस टाइम आ रहा था, 5-10 हज़ार आपको सस्ता भी पड़ रहा था, 160-170 में। हाँ तो अगर आप भी R15 लेने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले जो आपका आएगा ड्राइविंग क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि आप लंबे राइड नहीं करते हैं, अगर आप फास्ट चलाते हैं उस टाइम तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप सिटी वगैरह में आते हैं तो आपको हाथ पूरा लाल हो जाएगा, जैसे कि देख सकते थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा मेरा हाथ तो। और दूसरा सवाल कि सर आपको माइलेज कितना निकल के आता, क्योंकि ये 150 cc है, मेरे हिसाब से माइलेज 40 का, 40 का माइलेज 150 cc में सही है, माइलेज के मुकाबले में तो ये जीत जाता नहीं, अगर दूसरी गाड़ी शायद लेते हैं स्पोर्ट आप RS वगैरह जैसे बोले तो RS में जाने के बाद आपको ये माइलेज नहीं मिलता, KTM RC में भी नहीं मिलता। लेकिन सर 2 लाख अगर ये मोटा मोटी पड़ा था तो 10-20 डाल के आप KTM RC भी ले सकते थे सर। KTM नहीं जाना चाहता, KTM कभी सोचे ही नहीं थे। क्यों सर? उसका आवाज़ हमको सही नहीं लगता, ऑटो वाला फील आ रहा था, तो ये हो गया टिपिकल आदमी, बहुत से लोगों का ऑरेंज कलर चटपटा देख के समझ में आ जाता है, बट ये R15 लवर थे। बट इससे पहले आप कौन सा प्लान कर रहे थे? इससे पहले एक और बाइक लिया था अपाची, लेकिन उस टाइम हम लेना चाहे थे RS, दो मेरा था लेकिन उस टाइम पापा के कारण अपाची कहते RS नहीं ले पाए, और इस बार सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ये गाड़ी ले पाया, अब फिर भी RS नहीं ले पाए। बताइए शौक पूरा करना, RS का शौक था तब अपाची ले लिए, और जब RS ले सकते थे तब इन्होंने R15 ले लिया, इसीलिए बोलते हैं हम कि अपना शौक को कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन अमन सर का शौक बदल गया, बट अभी पछता रहे क्योंकि इनको लगता है कि इतना डाउन पेमेंट डाल के हम कार ले सकते थे, क्योंकि अब ये फैमिली वाले बंदे होने वाले हैं, तो वो बात की बात है, हालांकि इधर लुक्स दे रहे हैं वो बात की बात है। तो सर अब फाइनल बात में ये बताइए कि गाड़ी लेकर के आप खुश हैं? अगर आपको अभी 2 लाख रुपये दिया जाता आप कौन सा कार बाइक लेते? अब बोला जाएगा तो आप RS जाएंगे, RS जाएंगे आप, अगर अभी हम मानते हैं अगर अभी आपको 2 लाख रुपये दिया जाए तो आप नौजक या RS लेंगे, RC पे क्यों नहीं जाएंगे सर? RC भी अब कंफर्टेबल हो गया है और लोग भी उसको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि शुरू से हम सोच के कहते हैं उस समय येलो कलर का आया था RS, येलो पसंद था तो अभी आपको RS पसंद आ रहा है। वेल
तो ये गाड़ी का माइलेज आप लोगों को बता दें। सर्विस कॉस्ट हम पूछना भूल गए सर, ये आपको सर्विस सर्विस कॉस्ट जो कितने का आता है सर, सर्विस खराबी कितने में? 800-900 रुपये। 800-900। अभी कितना सर, कितना किलोमीटर चल गया आपका? 9000 कुछ चला ना, 95 मतलब 400 बाकी है 10000 में। और इसमें कितने सर्विस आप करा लिए? दो तीन। तीन सर्विस कितना हुआ था? जैसे सर्विस 8000 रुपये हुआ। तो मोबिल वगैरह फर्स्ट से चेंज हुआ था या लास्ट में? शुरू से। तो आपका शुरू में कितना सर्विस चार्ज आया था? सेम। कितना? 800-900 हमेशा तीनों सर्विस में 800-900। तो ब्रेक पैड वगैरह तो चेंज नहीं हुआ होगा? एक चेंज हुआ। अच्छा इस बार में ना सर्विस वर्कशॉप में बोला गया 900 रुपये, 950 रुपये, लेकिन हम वही बाहर से लगा 400 रुपये में ब्रेक पैड। तो ये है भाई यामाहा लीजिएगा तो यामाहा का। अब इंजन में आपको ये रिफाइनमेंट मिलता है, उस हिसाब से आपको सर्विस भी प्रीमियम वाला मिलता है, क्योंकि आपको हर चीज़ के एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और ये 150 cc के हिसाब से आपको इतने महंगे बाइक मिल रहे, तो जाहिर सी बात है आपको वो सब देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप शौकिया तौर पर ले रहे हैं तो। लेकिन हाँ आपको ड्राइविंग, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पर बैठाने में दिक्कत होगा। हाँ एक चीज़ और, आप फैमिली को सर कितने बार इस गाड़ी में बैठा के ले गए कहीं? आज तक मैं फैमिली में कोई बैठा ही नहीं, सिर्फ मेरी बहन, सिर्फ मेरी सिस्टर बैठी और कोई। सो भी जबरदस्ती करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और लॉन्ग ड्राइव अभी तक कितना किया सर? लॉन्ग ड्राइव में अभी तक एक दिन में चलाया 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर? 600 किलोमीटर एक दिन में आप? तो उसमें क्या हाल था सर उस टाइम? क्या यही है कि सिंगल आदमी इतना नहीं चला पाएगा, मुश्किल से 250 किलोमीटर अकेले चला सकते हो, लेकिन सेम डे वापस आना तो वापस नहीं आ पाओगे 250 किलोमीटर चलाने का, कमर का हालत खराब हो जाएगा। तो ये है भैया, लेकिन अगर यही जगह पर अगर कोई दूसरी बाइक होती तो शायद आप इजीली कर सकते थे, लेकिन वही है कि शौक के आगे कुछ नहीं, उतना आदमी शौक के टाइम पे सोचता नहीं है। बैग टांगे हुए हो, बैग के अंदर कुछ सामान है, भारी हो गया तो और हालत खराब, सीधा नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको आप गाड़ी बेचना चाह रहे हैं ना? आप गाड़ी बेच के कार लीजिएगा सर, या आप वापस अपाची में शिफ्ट हो जाइएगा? मन तो किया था कि दो मेरा उस समय था कि अपाची एक अपाची और ले, क्योंकि वो अपाची का फील आज तक हम उसकी गाड़ी नहीं दिया, जो मज़ा अभी भी चलाते हैं चलाने में आता है वो मेरा पुराना बाइक। तो वही बात है कि पहला प्यार हमेशा पहला होता है। वेल तो ये था अमन सर का रिव्यू, क्योंकि अभी धनतेरस का टाइम आ रहा है तो बहुत से लोग अभी गाड़ियाँ सर्च करेंगे, सब देखेंगे, बट प्राइस वगैरह भी अभी चेंज हो गया। तो अगर आप भी कोई स्पोर्ट बाइक लेना चाह रहे हैं या शौक के तौर पर, देखिए शौक से तौर पर लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बाइक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शौक या पर्पज से संडे राइड वगैरह जो करते हो उन लोगों के लिए हो, लेकिन अगर आप गाड़ी ले रहे हैं डेली यूज़ के लिए, आपको डेली यूज़ करना है, तो उस केस में ये आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। अब पता नहीं लोग लद्दाख वदाख कैसे चले जाते हैं इतना दिक्कत फेस करने के बाद भी, उन लोगों के लिए एक थम्सअप तो बनता है क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करते हैं जो R15 में जाते हैं। वेल तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।